तो मेरे किसान भाई लोग, आज आप लोगों को मेरा खीरे का प्लॉट पूरी तरह दिखाने वाला हूँ। और हमने ये 24 जून को लगाया था और आज हो चुका है 28 जुलाई, तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो आज हो चुका है 30 से 32 दिन हो चुका है आप लोग। और मेरे खीरे की प्लॉट में आप लोग को दिखाऊंगा कि कितने खीरे में फ्लावर आ चुकी है और क्या स्थिति है और कितना टाइम लगा। आप लोग को A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो दिखा देते हैं फल वगैरह किस तरीक़े से आ रही है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन फल वगैरह भी आना स्टार्ट हो चुका है। और इसमें हमारा एक डाइलिमेडियोल रोग भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं पत्ते पीले हो रहे हैं। और इसमें दवाई स्प्रे कर रहा हूँ पर इसका कोई असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और मौसम की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं आसमान में बादल भी छाए हुए हैं और धूप भी कर रही है। आप लोग देख सकते हैं धूप छाँव कर रही है, इस वजह से कभी धूप लगती है तो अधिकतर 35 से 40 डिग्री चल जाती है। और इस वजह से हमारा खीरे की फसल में थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा कि आप लोग देख सकते हैं ये 32 दिन की फसल है और ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अभी एक भी हार्वेस्टिंग नहीं हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं जड़ के पास से ही ये फलन है, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें एक भी हमने हार्वेस्टिंग नहीं किया हूँ। और लगभग सारे पौधे में फल आना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं मेरे किसान भाई लोग। तो अगर आप लोग भी खेती किसान अगर खीरे की खेती करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। और ये एक सबसे शॉर्ट टाइम फसल है, आप लोग देख सकते हैं मात्र आप लोग को 1 महीना के अंदर आप लोग को इनकम जनरेट करने वाली फसल है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फसल है। तो देख सकते हैं आप लोग कहीं कहीं पे नीचे पे नहीं फला हुआ है, ये फल वगैरह सूख चुके हैं ये हमारा बीमारी की वजह से। और ये फल आप लोग को ऊपर देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो कुछ नज़ारा है हमारा इस तरीक़े से हमारा खेत का। और इसे हम रस्सी धागा तार वगैरह से इसमें बांध चुका हूँ। और इसमें लागत, मैं अगर आप लोग का कमेंट आएगा कि इसमें कितना लागत आता है इसमें रस्सी धागा में और कितने दूरी दूरी में हमने तार बांस वगैरह लगाई, तो आप लोग को जानकारी A to Z चाहिए तो आप लोग कमेंट करेगा कर दीजिएगा। वैसे तो हम बना दूंगा आप लोग को ताकि कुछ आप लोग को हेल्पफुल हो सके, ताकि आप लोग भी अगर खीरे की खेती करना चाहते हो शॉर्ट टाइम में इनकम जनरेट करना चाहते हो मात्र 1 महीना में, तो आप लोग भी खीरे की खेती कर सकते हो बेझिझक, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि खीरे में किस तरीक़ा से हम लोग खीरे की खेती करें। और आप लोग फल फूल आप लोग देख सकते हैं। और अभी खीरा का रेट में हम थोक मंडी में हमने पूछा था हमारे नज़दीकी बाज़ार में, तो अभी 18-20 रुपये खीरे अभी चल रहे हैं। तो अभी ये 20 रुपये 18 रुपये 20 रुपये एक बहुत ही अच्छी खासा दाम आप लोग को मिलेगा, क्योंकि 18-20 रुपया खीरा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर 18-20 रुपया अगर आप लोग खीरा बेचोगे तो आप लोग को अच्छी इनकम दे के जाएगी हमारे खीरे की फसल। आप लोग को मात्र 28 से 35 दिन में आप लोग को ये हार्वेस्टिंग, जैसे अभी हमारा 32 दिन का हो चुका है और अभी हम अपना खेत का दूसरी छोर पर हम पहुँच सकते हैं। और इस तरीका का हमारा खेत का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, पूरा हमने ये बांस और रस्सी धागा की सहायता से बांध रखा हूँ मचान बना के। और इसमें हमारा ये भी फायदा हो रहा है कि हमें तोड़ाई करने में भी आसान होगा, दवाई स्प्रे करने में भी आसान होगा, और जब हमारा खीरे की फसल ऊपर की ओर हमारा चढ़ेगा तो इसमें हमारा फल का साइज भी अच्छा रहेगा सीधा सीधा। और इसमें कोई जब तोड़ाई वगैरह करेगा तो क्योंकि इसमें 2-2 दिन के अंतराल में इसमें तोड़ना पड़ता है, तो इसमें आप लोगों को डेली घुसने से परेशानी नहीं होगी। तो देख सकते हैं हमारे खीरे की खेती। और चलिए अब और भी दिखाता हूँ कि किस तरीक़े से फल फ्रूट आ रहे हैं और इसमें एक पौधे में कितना फल वगैरह आ रहा है। तो देख सकते हैं इसमें मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं नीचे से ही फलन हो चुकी है और धीरे धीरे ये फलते फलते पूरे ऊपर की ओर तक आप लोग देख सकते हैं लास्ट छोर पौधा का जो लताएं होती है उसमें
ऊपर तक इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यही हमारा खेत है, तो देख सकते हैं अगर आप लोग इसमें से कौन सा दवाई स्प्रे, कौन सा खाद वगैरह हम डालें उस पर, अगर आप लोग पार्टिकुलर या फिर कोई एक अच्छा सा वीडियो वगैरह आप लोग चाहते हैं तो मेरे कमेंट में लिख भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों का कमेंट के अनुसार ही वीडियो आप लोगों को खीरे के ऊपर देता रहूँगा, क्योंकि आप लोग को किस खीरे के ऊपर किस के ऊपर जानकारी चाहिए, किस बीमारी के ऊपर चाहिए, क्योंकि इसमें मुख्यतः एल्यूमिनियम ही आती है। आप लोग देख सकते हैं इसमें पीली फसल वगैरह है, तो इसमें हम नहीं बोलूँगा कि आप लोग इतना इनकम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना आप लोग खेत की में खर्च कर रहे हो, अपना मेहनत कितना कर रहे हो, उसी हिसाब से ये फल देगी। आप लोग देख सकते हैं और हमने जिस कितना मेहनत दिया हूँ और आप लोग को ये फल दिख रहा होगा, मेरे किसान भाई लोग देख सकते हैं फल फ्रूट आना हो चुका है। अब इसको हम एक दिन के बाद इसमें तोड़ाई चालू कर दूंगा और इतने बड़े एरिया में हमारा कितना माल टूटेगा वो आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं फल वगैरह बहुत ही सुंदर है, चमकदार फल वगैरह है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग दवाई वगैरह कौन कौन सा स्प्रे करना है और करते रहना चाहिए, आप लोग को सारा वीडियो वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा कुछ खेत का नज़ारा मेरे किसान भाई लोग। तो मेरे किसान भाई लोग, आज आप लोग को हमने हमारा वीडियो में आप लोग को दिखाया कि खीरे की फसल में हमारा कितना भी इनकम होगा नहीं होगा, आप लोगों को धीरे धीरे सारा पता चलेगा। तो मेरे किसान भाई लोग, आज का वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और भी इसी तरह का वीडियो आप लोग को आते रहेगी खीरे के ऊपर और धीरे धीरे अन्य फसलों के ऊपर भी हम वीडियो आप लोग को देने का पूरा प्रयास करूँगा और जो मेरी ओर से जितना एक्सपीरियंस होगा उसी को शेयर करूँगा और कोई भी हम आप लोग को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा कि मेरा इतना हो रहा है और ये भी आप लोग कर सकते हैं। मैं जो करूंगा वही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कोई भी सवाल हो तो कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का पूरा पूरा। और मेरे से संपर्क करना होगा तो सबसे पहले आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करूंगा, उसके बाद आप लोग संपर्क करने का कोशिश करूंगा। तो मेरे किसान भाई लोग बस इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। जय जवान जय किसान।